नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई इक्विटी स्कूल, बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर स्टॉक मार्केट बिगनर्स। दोस्तों, आज के दिन ट्यूसडे है और हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे आज परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट में आप लाइट पोजिशन रखिए, यानी कि आप सेल कर सकते हो, यहाँ पर और लॉन्ग पोजिशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। कॉल ऑप्शन आपको बाई करके, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है कॉल ऑप्शन में। और कल भी आप देख पाएंगे क्लोजिंग जो हुई थी, कल मार्केट ऊपर तक गया था, अप्रॉक्सीमेटली 60 पॉइंट्स 70 पॉइंट्स मार्केट प्लस में था, पर वहाँ से सेलिंग आई और प्लस जाके फ्लैट बंद हुआ है निफ्टी सिर्फ 20 पॉइंट्स प्लस में। सो यहाँ से अपसाइड दिखता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया था, ये लेवल्स मैं को फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, 16,300 से लेकर 16,350, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है दोस्तों। ये जो लेवल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं करेगा तब तक आगे की अपसाइड नहीं आ सकती निफ्टी में। सो यहाँ से एक मेजर चांस है, यहाँ से ड्रॉप आए 16,000 तक जा सकता है, 16,050 ये लेवल्स तक आ सकता है, यहाँ पर मेन सपोर्ट है। यहाँ से फिर अगेन एक बाउंस बैक आ सकता है, पहले मार्केट नीचे आएगा, अभी बहुत रिस्की है ऊपर की तरफ। अगर आपके पास कॉल ऑप्शंस है तो आप एक एसएल लगा सकते हो 50 पॉइंट्स, आपके जहाँ पर लिया उसके 50 पॉइंट्स नीचे एसएल लगा के होल्ड कर सकते हो, और एल्स फ्रेश पोजीशंस में आप लॉन्ग मत कीजिए, ठीक है दोस्तों। आप शॉर्ट कर सकते हो, पुट ऑप्शंस ले सकते हो, ये वीक के नहीं तो अगले वीक के लीजिएगा, ओके, नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस लीजिएगा, और एल्स मंथली ऑप्शंस लेके आप पुट होल्ड कर सकते हो, बिकॉज पुट में आपको पैसा बन सकता है ये टाइम पे, पर कॉल में बहुत रिस्की है। निफ्टी में आज के दिन 16,258 में क्लोज हुआ था कल के दिन, आज मोस्ट प्रोबेबली 16,200 अगर ब्रेक होता है इंट्राडे में तो 16,150 लेवल्स के भी आज दिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। निफ्टी नीचे जा सकता है। अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों, यह है डेली चार्ट पैटर्न बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी कल अच्छा क्लोजिंग दिया था, 220 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोज किया था। कल बैंकिंग ने ज़्यादा लीड किया था दोस्तों। अगर बैंक्स और आईटी अगर नहीं परफॉर्म करते तो निफ्टी कल के दिन ही 100 से 200 पॉइंट्स नीचे गिर जाता, पर कल लीड किए बैंकिंग और आईटी नेम्स ने। ये कंपनी स्ट्रांग थे इसीलिए कल निफ्टी भी उठा था, और बैंक निफ्टी भी इतना स्ट्रांग नहीं है दोस्तों, मोस्टली रेजिस्टेंस लेवल। कल भी अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस लेवल्स की इधर आके नीचे आ गया था बैंक निफ्टी, कल के दिन 36,200 तक गया था, 36,200 ये लेवल्स तक गया था, पर वहाँ पर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस आप देख पाएंगे। पहली बार इसने क्रॉस नहीं किया, सेकेंड अटैम्प में क्रॉस नहीं किया, थर्ड अटैम्प में भी क्रॉस नहीं किया, अभी कल के दिन फोर्थ अटैम्प था वो भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो एक बेस्ट एसएल रहेगा अगर आपने सेल किए है पोजीशंस, आपके पास सेल पोजीशंस है तो 36,300 आपके लिए बेस्ट एसएल रहेगा, एसएल पॉइंट रहेगा। ये ब्रेक करता तो और चांसेस है ऊपर जाने के, ये एसएल लगा के आप होल्ड कर सकते हो आपके सेल पोजीशंस। टारगेट वही रहेगा इजीली 35,700 तक ईजिली टारगेट मिल सकता है इंट्राडे में, ठीक है दोस्तों। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बैंक निफ्टी में कि 36,000 के ऊपर क्लोज किया है, यानी कि एक अच्छी क्लोजिंग है, ठीक है। अगर क्लोजिंग बेसिस में बात करें तो अच्छी है, अगर आज के दिन अगर 36,000 के नीचे या फिर 35,900 तक क्लोजिंग आती है तो और वीकनेस आ सकती है आने वाले वेडनेसडे और थर्सडे में, ठीक है दोस्तों। और 35,700 के लेवल्स भी देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो आपको यही राय रहेगी कि आप कॉल ऑप्शंस बाय मत कीजिए, कोई भी फ्रेश पोजीशंस फ्रेश लेना है तो मंथली के पुट ऑप्शंस लीजिए या फिर सेल कीजिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के फ्यूचर्स, पर लॉन्ग पोजीशंस मत बनाइए, इसमें आपको रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाइस पे चल रहा है और रेजिस्टेंस जोन पे है, और यहाँ पर एक तो साइडवेज मार्केट जा सकता है और एल्स नीचे गिर सकता है। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में समझना है तो माई इक्विटी स्कूल की तरफ से 16 टाइप्स के बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है जो कि बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों, एवरी संडे को जूम वेबिनार में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अटेंड करने मिलेगा।
अगर आप इन कोर्सेस में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी टेक्निकल वीडियोस के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ। और दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू।